बीते तकरीबन तकरीबन दो सालों से जो भी निवेशक हैं, चाहे वो शेयर बाजार के निवेशक हैं, कमोडिटी बाजार के निवेशक हैं, इंश्योरेंस के निवेशक हैं, प्रॉपर्टी के निवेशक हैं, कहीं पर भी अपना पैसा उन्होंने लगाया हुआ है, तो उन दो सालों में, पिछले दो सालों में निवेशकों को कहीं से कोई राहत नहीं। भारी उठापटक, बाजारों का कोई अता पता नहीं, मंदी की मार और मंदी का हमेशा सताता डर, यही कुछ सहा है पिछले दो सालों से देश के निवेशकों ने। ना सिर्फ देश के निवेशकों ने, इवन अगर हम विदेशी निवेशकों की बात करें तो उन्होंने भी। हालांकि पिछले दो साल अगर हम देखें तो पीछे के दो साल काफी अहम रहे हैं, काफी गिरावट देखी है, बड़ी बड़ी गिरावटें देखी। ये भी खबरें निकल करके आई कि एक बड़ी मंदी का आगाज फिर से शुरू हो गया है। साल 2008 से भी भयानक मंदी का आगाज फिर से शुरू हो गया है, लेकिन साल 2012 जैसे ही शुरू हुआ, एक बार फिर से निवेशकों की उम्मीदें बाजार के साथ जुड़ गई। लेकिन बाजार के साथ जो निवेशकों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, उनमें बजट एक अहम रोल अदा करता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही जनवरी का महीना शुरू हुआ, बाजार ने एक बार फिर से ऊपर के पायदान की तरफ पांव रखना शुरू कर दिया। ऊपर की चढ़ाई जरूर चढ़ रहा है, लेकिन कितनी मजबूत है ये मजबूती और कितनी मजबूती से वो आगे कदम रख रहा है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि हर निवेशक ने इस बजट से कुछ ना कुछ उम्मीदें जरूर पाल रखी हैं। बजट 2012-13। बजट 2012 से निवेशकों की उम्मीद। बोलते तो हर बार आम आदमी के लिए बजट आएगा, पर कुछ होता नहीं है, तो इस बार कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं, कुछ पॉलिसीज हैं तो बेटर है। लाइक टैक्स एग्जेम्पशन का लिमिट बढ़ाया जाए, या फिर इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा करने दिया जाए ATC के अंदर में, तो बेनिफिट होगा मिडिल क्लास को इन टर्म्स ऑफ सेविंग। मिडिल क्लास का इनकम इतना हो गया कि 1 लाख से ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं वो सेविंग्स में, तो उसके ऊपर करने पर उनको टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। तो 1.5 लाख-2 लाख तक अगर उससे इंक्रीज करा जाए तो सेविंग भी इंक्रीज होगा कंट्री का, प्लस टैक्स एग्जेम्पशन भी मिलेगा, तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प। टैक्स में अगर ATC के अंदर जैसे आप देखते हैं 1 लाख का लिमिट है, उसमें 1 लाख की सेविंग करते हैं, बट लोगों का जो इनकम पैटर्न है दैट इज़ इंक्रीजिंग, बट उसमें लोग जो सेविंग 1 लाख की सेविंग कर पाते हैं, अगर वो इंक्रीज हो जाए 1 लाख से 2 लाख तक बढ़ता है, तो उसमें क्या है कि गवर्नमेंट को भी बेनिफिट्स मिलेगा, बिकॉज लोग दे आर गेटिंग मनी, और उसमें लोगों को भी सेविंग पैटर्न और सेविंग हैबिट भी उनकी बढ़ जाएगी। जी हाँ, बजट के नजदीक आते ही सभी की निगाहें प्रणब दादा के ब्रीफकेस पर टिक जाती हैं। इस बार भी हर सेक्टर की उम्मीदें कुछ ना कुछ राहत से ही जुड़ी हुई हैं। आने वाली 16 मार्च को निवेशकों की नजरें GST, DTC और मल्टी ब्रांड रिटेल में कम से कम 51% FDI पर टिकी हुई हैं। वहीं माना जा रहा है कि मौजूदा हालातों में निवेशक ट्रांसफरेबल संपत्ति से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कर छूट के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन इसकी छूट की सीमा केवल 6 महीने तक की है। वहीं भारत में निवेश से पहले वित्तीय नियमता पर ध्यान केंद्रित करती है। अगर सरकार सुधार और वित्तीय मजबूती को ध्यान में रखकर बजट का ऐलान करती है तो ये मध्यम अवधि में बाजार के लिए एक पॉजिटिव संकेत होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो आर्थिक सुधार को लेकर बजट में जितनी ज्यादा घोषणाएं होंगी उतना ही निवेशकों को फायदा पहुंचेगा। NRI निवेशकों की उम्मीदें। वित्त मंत्रालय की ओर से विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय कंपनियों द्वारा जारी कॉरपोरेट बॉन्ड खरीदने की मंजूरी दिए जाने की चर्चा जोरों पर है। जानकारों के मुताबिक कॉरपोरेट बॉन्ड के दायरे को डेट तक विस्तारित किए जाने से विदेशी निवेशकों के चेहरे खिल सकते हैं। विदेशी निवेशकों की उम्मीदें। फिलहाल व्यक्तिगत विदेशी निवेशक को कॉरपोरेट बॉन्ड में खरीदारी के लिए संस्थागत विदेशी निवेशक का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में विदेशी निवेशकों को कॉरपोरेट बॉन्ड में सीधे निवेश करने की छूट दी जाए ताकि निवेश का खर्च सस्ता हो सके। बिजनेस डेस्क इंडिया न्यूज। कितना बढ़ेगा इस साल FII, कितना बढ़ेगा FDI, कितना बढ़ेगा DII का निवेश, यही कुछ हम भी जानना चाहते हैं, यही कुछ आप भी जानना चाहते हैं कि इस बार का बजट किसके लिए कितना फायदेमंद। पिछले दो साल से सुस्त पड़े बाजार को क्या कोई नई डगर मिलेगी, क्या फिर से ये आगे की तरफ बढ़ेगा, क्या पिछले 3-4 साल से जो बाजार थम गया नए उच्चतम स्तर दिखाने से
क्या वो नए उच्चतम स्तर एक बार फिर से दिखाई देंगे? क्या 21,000 के पार का आंकड़ा फिर से सेंसेक्स छुएगा? क्या 6,000 के पार एक बार फिर से निफ्टी को हम जाते हुए देखेंगे? यही कुछ प्रश्न चिन्ह हैं इस साल बाजारों के साथ। बाजार क्या करेंगे? अमेरिका के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, उन अमेरिकी चुनावों से बाजारों के ऊपर क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा? क्या वो चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर इस साल जो देश का बजट आ रहा है वो बजट देश के अंदर बाजारों की दिशाओं को निर्धारित करेगा, ये भी हम जानेंगे। और हमारे इसी जानने पर हमारा साथ देंगे तो खास मेहमान इस समय पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डीके अग्रवाल साहब इस समय पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप CMD हैं SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड से और साथ ही साथ MD आनंद राठी प्रीति गुप्ता भी इस समय पर हमारे साथ मौजूद मुंबई से। आप दोनों ही खास मेहमानों का स्वागत। अग्रवाल साहब, सबसे पहले आपके पास अग्रवाल साहब इस समय पर मेरा पहला सवाल जो है वो ये कि बाजार को इस साल बजट से क्या उम्मीदें? हालांकि हर साल उम्मीदें लगती हैं, हर साल कुछ ना कुछ वित्त मंत्री साहब के आगे अपनी फरमाइश रखी जाती हैं, लेकिन इस साल बाजार क्या चाहता है? क्योंकि पिछले 2 साल से बड़ी मंदी की मार बाजार ने झेली है, उस मंदी से उबरने के लिए इस बार खास तौर पर जो निवेशक हैं वो वित्त मंत्री साहब पर टकटकी लगाए देख रहे हैं कि शायद वित्त मंत्री साहब उन्हें इस मंदी की ब्यार से थोड़ा सा उबार पाने में कामयाब रहे। देखिए, इस बार बजट से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है मार्केट, क्योंकि पिछले कई सालों से पॉलिसी पैरालिसिस काइंड ऑफ सिचुएशन, और अब ऐसा लग रहा है कि इस बार बजट में कुछ इस तरह के पॉलिसी डिसीजन लिए जा सकते हैं जो कि इस मार्केट के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। फ्रॉम ब्रोकिंग एंड पर्टिकुलरली इक्विटी एंड कमोडिटी पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा ये मानना है कि एक बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट है सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, जिसकी वजह से जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी हाई है। तो ये एक पूरी उम्मीद है, काफ़ी टाइम से डिमांड भी है कि ये सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है इस मार्केट को, और काफ़ी जो डेप्थ एंड लिक्विडिटी है वो मार्केट में काफ़ी कम हो रही है और वॉल्यूम्स भी काफ़ी कम हो रहे हैं। इवन FIIs जो है जो काफ़ी डिस्करेज हो रहे हैं इस मार्केट में यहाँ पर इंडिया में आने में, और काफ़ी कुछ वॉल्यूम्स हमारा बाहर के मार्केट के अंदर शिफ्ट हो रहा है। इसलिए ये पूरी उम्मीद है कि इस बार सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स में काफ़ी कमी आएगी। हम कम से कम उम्मीद कर 25-50% इसमें कमी हो सकती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि कुछ मीडिया सर्कल्स में भी ये न्यूज कि शायद कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स इसमें लगा दिया जाए, जी ऐसा किया जाएगा तो ये बहुत ही एक नेगेटिव डिसीजन होगा। इस ट्रांजेक्शन टैक्स का हम देखें अगर इम्पैक्ट, तो जो वॉल्यूम पहले निफ्टी होता था या स्टॉक फ्यूचर्स में होता था वो वॉल्यूम काफ़ी शिफ्ट होकर अब ऑप्शंस में चला गया, जी। और इवन बाहर के मार्केट्स के अंदर SGX निफ्टी, उसमें वॉल्यूम्स FIIs का काफ़ी जा रहा है, तो इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट कमोडिटीज की ट्रेडिंग पे भी होगा। और कमोडिटी मार्केट बहुत ही नेसेंट स्टेज में है, और कमोडिटीज मार्केट और इक्विटी मार्केट की अगर हम तुलना करें, हम देखेंगे कि कमोडिटीज मार्केट एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है प्राइस रिस्क को मैनेज करने के लिए, जबकि एक इक्विटी मार्केट ये एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो ये बिल्कुल दोनों अलग अलग मार्केट्स हैं जी, बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर। कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए जिससे कि मार्केट एक शुरू में इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है रिस्क मैनेजमेंट का, वो क्लियर हो जाए। जी बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर अग्रवाल साहब, दोनों ही अलग अलग मार्केट्स हैं, इक्विटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट का हालांकि आजकल डायरेक्ट इंपैक्ट हम देख रहे हैं इक्विटी बाजारों के ऊपर, और पिछले काफी लंबे अरसे से हमने देखा है कि कमोडिटी मार्केट के अंदर जो उथल पुथल देखने को मिल रही है उसने निवेशकों की नींद उड़ा करके रखी हुई है। प्रीति गुप्ता के पास चलते हैं, उनसे जान लेते हैं, क्योंकि कमोडिटी का यहाँ पर जिक्र आया है, कमोडिटी बाजारों का यहाँ पर जिक्र आया है। प्रीति, आपसे जानना चाहेंगे कि हर बजट में निवेशक चाहे वो कमोडिटी बाजार का हो या फिर इक्विटी बाजार का, वित्त मंत्री साहब से कुछ ना कुछ उम्मीदें उसकी बंधी रहती हैं। वो कुछ ना कुछ चाहता है कि STT में छूट मिल जाए, CTT ना इम्प्लीमेंट किया जाए, और साथ ही साथ जो बिल काफ़ी लंबे अरसे से पेंडिंग पड़ा हुआ है कि ऑप्शन ट्रेडिंग पर्टिकुलरली कमोडिटी बाजार के अंदर ले आई जाए, ताकि जो कमोडिटी के निवेशक हैं उनको थोड़ी सी इस उठा पटक से छूट मिल जाए, राहत मिल जाए। आपका यहां पर हम जानना चाहेंगे पहला रिएक्शन कि आपको क्या लगता है यहां पर बाजार इस बार वित्त मंत्री साहब से क्या उम्मीदें जताए बैठा है? बहुत रूमर है कि CTT इस बजट में शायद कमोडिटी मार्केट्स पे अप्लाई हो जाएगा,
पर हमारा ये मानना है, सिर्फ मेरा ही नहीं, हमारी पूरे कमोडिटी इकोसिस्टम का, कि इस समय सीटीटी लागू करना बहुत हानिकारक होगा मार्केट्स के लिए, क्योंकि मार्केट्स अभी तक उस मैच्योरिटी लेवल पे नहीं है जहां जैसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया जाए, उस तरह का मैच्योरिटी कमोडिटी मार्केट्स में अभी तक नहीं है। तो हमारा यह अंदेशा है कि गवर्नमेंट इस समय मिनिस्ट्री ये ध्यान देगी कि सीटीटी लगाना काफ़ी मार्केट के लिए रिट्रोस्पेक्टिव कदम होगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर के ऊपर। और जगन्नाथम साहब भी इस समय पर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, आप हेड रिसर्च हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड से। जगन्नाथम साहब, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। जगन्नाथम साहब, क्योंकि आप बहुत क्लोजली मार्केट्स को वॉच करते हैं, मॉनिटर करते आ रहे हैं, और काफी लंबे अरसे से आपने इस उठापटक को काफी करीब से देखा है बाजारों के अंदर। हालांकि हम जनवरी से एक अच्छा सुधार देख रहे हैं, एफआईआई का निवेश यहां पर बढ़ा है और एफआईआईज ने काफी अच्छा पैसा यहां पर इंडियन डोमेस्टिक मार्केट्स के अंदर लगाया है, जिसकी वजह से हमने बाजारों में एक उठाव देखा। क्या लगता है, बजट तक ये उठाव जारी रहेगा, और बजट के बाद जो स्थितियां बनेंगी वो क्या नकारात्मक जाएंगी या फिर पॉजिटिव सेंटीमेंट्स कंटिन्यूटी के अंदर बजट के बाद भी जारी रहेंगे? डीके जी ऑलरेडी सभी पॉइंट्स कवर किए थे, इसके साथ साथ बस एक ही पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ कि इस बार शायद प्रणब मुखर्जी फिस्कल डेफिसिट को थोड़ा सीरियसली लेगा, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स फिस्कल डेफिसिट फिगर को बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। लास्ट ईयर बजट में 4.6% के टारगेट रखने के बावजूद भी इस बार शायद 5.6% तक हो सकता है, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट इतना एग्रेसिवली हुआ नहीं और टैक्स कलेक्शन भी थोड़ा कम हुई इस साल में। सो आने वाले साल में कितना फिस्कल डेफिसिट फिगर रखेगा शायद मार्केट का डायरेक्शन वो तय करेगा, और का जो 50,000 करोड़ की होने की जो इस बार आने वाले साल बजट में एक्सपेक्टेशन है, सो मार्केट और एक वो एक चीज भी बहुत क्लोजली वॉच करेगा, क्योंकि आईपीओ एफपीओ ऑप्शन इसके ऊपर डिपेंड होगा। 2012 में क्या आपको लगता है नए उच्चतम स्तर देखने को मिलेंगे? जरूर फायदा तो है, क्योंकि यहाँ से आरबीआई भी इंटरेस्ट रेट कम करने की चांसेस है, और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी यूबी इलेक्शन को भी हट जाएगी, और बजट का थोड़ा भी पॉजिटिव मोमेंटम मिले, एक अच्छा मौका है कि शायद 2012 में हम एक बार हायर लेवल्स देखने के लिए जरूर मिल सकता है। जी जगन्नाथन साहब, यहाँ पर और भी थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहेंगे इस चीज को कि जिस तरीके से जीडीपी का आंकड़ा निकल करके आया, 10 साल पीछे चला गया है भारत का विकास, 10 साल अगर पीछे चला गया, और हालांकि अमेरिका की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, वो भी 10-10 साल 15-15 साल उनका जो विकास है वो पीछे चला गया। अगर कंट्रीज पीछे जा रही हैं, बैकफुट पर आ रही हैं, 10-10 साल के बैकफुट के ऊपर आ रही हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या पूरे साल देखने को मिलेगा या फिर ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, जल्द ही इससे भी निजात मिल जाएगी? शायद एक तरह से देखे तो जीडीपी ग्रोथ बॉटम आउट हो चुकी है, जो 6.1% जो फिगर है मोर और लेस से बॉटम है, क्योंकि अगर मार्च मीटिंग में ज्यादा चांसेस है कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करेगी, अगर मार्च में नहीं करे तो जरूर अप्रैल में करेगी, इसका मतलब है कि अभी तक जो इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ाने के पिछले 2 साल में उसका इम्पैक्ट से जो जीडीपी नीचे आया वो यहां से रिवर्सल भी शुरू ऐसा ही होगा। सो अगर एक बार आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करे, अगर इस बजट में थोड़ा भी पॉजिटिव संकेत मिले गवर्नमेंट से, फिर एक बार इन्वेस्टमेंट माहौल वगैरह सही बन सकता है। बस इन सब में बस एक ही चीज थोड़ा इधर उधर हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर यूपी इलेक्शंस में अगर एसपी और कांग्रेस का कॉम्बिनेशन ना जीते, एक कंसर्न है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थोड़ा रह सकता है, वो एक चैलेंज है। इसके अलावा मुझे लगता है कि शायद एक तरह से देखते जीडीपी बॉटम आउट हो चुकी है, और यहां से अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट करते करते शायद वापसी थोड़ा ग्रोथ पाते हम आ सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जगन्नाथम साहब इस तमाम जानकारी के लिए और बने रहने के लिए। और वक्त तो चला यहाँ पर एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। हमारे साथ दोनों खास मेहमान डीके अग्रवाल साहब एसएमसी के सीएमडी और साथ ही साथ एमडी आनंद राठी से प्रीति गुप्ता हमारे साथ बनी हुई है। ब्रेक के बाद उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि बाजार यहाँ से अब आगे की सीढ़ी चढ़ता हुआ नजर आएगा या फिर बजट के बाद कुछ फिसलन का डर भी यहाँ पर सता रहा है।